हेलो राइडर्स, कैसे हो दोस्तों। अगर आप एक नेकेड स्पोर्ट बाइक लेना चाहते हो जो 1.5 लाख के अंडर में आए तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में आपको 1.5 लाख के अंडर में आने वाली टॉप 3 नेकेड स्पोर्ट बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको काफी बढ़िया लुक, फीचर, माइलेज और पावर देखने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं 4 व्हील। वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 1 वाली बाइक से। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें काफी बढ़िया लुक और वो माइलेज भी अच्छी दे सके तो आप यामा की FZ Fi V4 परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिल जाएंगे और बाइक के रेयर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें दोस्तों, तो बाइक में आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले वाला कलरफुल मीटर कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। और फीचर के बारे में बात करें तो बाइक में आपको स्टैंड अलार्म, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन और USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया जाएगा फोन चार्ज करने के लिए। बाइक के अगर ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिलता है, जो कि सेफ्टी के पर्पज से काफी अच्छी बात है। बात करें अगर बाइक के इंजन के बारे में तो बाइक में आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 12.2 BHP के, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 13.3 Nm की। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, अगर बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 55 km/h का माइलेज आराम से दे देगी, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, बात करें अगर इस बाइक के प्राइसिंग की तो ये बाइक आपको 1,48,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका लुक काफी बढ़िया हो और आपको अच्छा माइलेज भी दे सके तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। नंबर 2 पे हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें काफी ज्यादा पावर और बढ़िया लुक हो तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे। बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 160cc का एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 16.6 BHP की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 14.6 Nm की। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है तो बाइक में आपको काफी ज्यादा पावर भी देखने के लिए मिल जाता है। बात करें बाइक के सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों, बाइक में आपको काफी बढ़िया लुक और पावर देखने के लिए मिल जाता है। और नंबर 3 वाले बाइक के बारे में बात करें तो वह बजाज की N150। दोस्तों, अगर आपको एक स्पोर्ट कैटेगरी की बेस्ट लुक और अच्छी माइलेज वाली बाइक चाहिए तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रेयर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 149cc का एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 14.29 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 13.5 Nm की। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको ट्विन डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ये बाइक दोस्तों आपको 48 km/h का माइलेज आराम से दे देगी। बात करें अगर इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में तो ये बाइक आपको 1,45,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी, जो कि वैल्यू फॉर मनी है और ये बाइक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। दोस्तों, आपको इन तीनों बाइक में से कौन सी बाइक अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को